हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू। द लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट एंड आंसर की अपडेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू। दोस्तों, डेली अपडेट की तरह आज भी ज्ञानोदय फॉर यू चैनल आप सभी के लिए बहुत ही लेटेस्ट जोश एवं जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। सो गाइज, वॉच फुल वीडियो एट द एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें आपको बताएंगे लास्ट में कि कैसे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। सो गाइज, फुल वीडियो देखिए, तभी आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म अप्लाई करने में डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए गाइज, टाइम ना वेस्ट करते हो, करते हैं वीडियो की स्टार्ट और आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी। देखिए फ्रेंड्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी RTBP द्वारा आप सभी के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। सब इंस्पेक्टर में एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई, ग्रुप बी की पोस्ट है। और फ्रेंड्स, इसमें वैकेंसी तो बहुत ही कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही जोश एवं जबरदस्त है, इसमें सैलरी भी बहुत ही शानदार है। तो सो गाइस, चलिए देखते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्या है इन्फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए, ये RTBP की ऑफिशियल वेबसाइट है और लास्ट में आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि इसके फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, पहले आपको बताती हूँ, यहाँ देखिए, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स द्वारा रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर द्वारा यानी SIESC के लिए वैकेंसी रिलीज की गई। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसीज टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन टेम्पररी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट RTBPF। सो गाइज, इसमें आपको सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल सर्व एनीवेयर इन इंडिया अबाउट। तो आप जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है, उनको कहीं भी सर्विस करने का अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है। ऑन द अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल गवर्न्ड बाय द RTBPF एक्ट 1992 एंड RTBPF रूल्स 1994 एंड अदर रूल्स एप्लीकेबल टू टाइम टू टाइम। एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया जाएगा ओनली ऑनलाइन मोड में होगा, अदर मोड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो गाइस, इसमें आपको बहुत ही केयरफुली फॉर्म अप्लाई करना होगा, नो अदर मोड सबमिशन एप्लीकेशन इज अलाउड। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपनड WEF 19th May 2023 एट टाइम दिया हुआ है 1 AM एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 17th June 2023। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक दियर एलिजिबिलिटी बिफोर द अप्लाई एज टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट द लेटर स्टेज। तो इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 19 मई 2023 से, और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आपको बताया गया है 17th June 2023 है, यानी कि 17 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, अब देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज किस प्रकार डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। यहाँ देखिए, डिटेल ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग वाइज वैकेंसीज एज द पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर एज दिया हुआ है। यहाँ मेल कैंडिडेट के लिए दिया अनरिजर्व में 5 पोस्ट है, SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है और OBC के लिए 2 पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है ओनली, वो भी अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित कैंडिडेट के लिए है। तो इस प्रकार 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, लेकिन इसमें सैलरी कितना है आप आगे देखेंगे। यहाँ देखिए, वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज एंड डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। तो इसकी जो वैकेंसी के नंबर है ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है, इसमें आपको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाएगा। एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू RTBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट www.recruitment.itbppolice.nic.in पे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा यदि कोई चेंजेस होती है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। और देखिए, यहाँ दिया RTBP रिजर्व टू राइट मेक चेंज इन सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। सो गाइज, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यहाँ पे रिजर्व यानी कि जो RTBP है इसको रिजर्व है और
अधिकार है कोई भी चेंजेस करने के लिए। आईटीबीपी आल्सो रिजर्व टू द राइट कैंसल द पोस्टपोन रिक्रूटमेंट एनी स्टेट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो इसमें कोई भी प्रशासनिक रीजन के कारण इसके वैकेंसी को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है। ये रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है आईटीबीपी को। और यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे दिया हुआ है कि जो 10% वैकेंसी रिजर्व एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 10% वैकेंसी रिजर्व किया गया है। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जानकारी देख लेते हैं आपके लिए दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे स्केल एंड अदर अलाउंस दिया है, यानी कि आपको इसमें सैलरी कितना प्रोवाइड किया जाएगा। सब इंस्पेक्टर एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसिलिंग काउंसलर के लिए है, पे लेवल 6 दिया। इन पेमेट्रिक्स 35,400 टू 1,01,000, ये दिया 1,12,400 दिया हुआ एज पर 7th CPC। तो यहाँ पे सैलरी जो दिया जाएगा स्टार्टिंग में 35,400 तक की सैलरी है, और आपको लास्ट एट द एंड ऑफ सर्विस 1,12,000 तक की इसमें सैलरी प्रोवाइड की जा सकती है। अदर अलाउंस में ये जानकारी दिया गया, पोस्ट विल बी कैरीड डियरनेस अलाउंस, राशन मनी स्पेशल ये दिए, कॉम्पिटेंसरी अलाउंस एंड फी एकोमोडेशन, HRS ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन फ्री, फ्री मेडिकल वे फैसिलिटीज एंड अदर अलाउंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स टाइम टू टाइम, ये जानकारी दी गई। ये सब आपको अलाउंस अदर भी मिलेगा इस सैलरी के एक्स्ट्रा। और दिया हुआ है फ्रेंड्स, आगे जानकारी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ नेमा पोस्ट जो दिया हुआ है, कौन से पोस्ट के लिए, ये तो जानकारी हो गई। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं, और इसमें केवल ये दिया हुआ है द अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन रिलैक्सेबल फॉर द SC OBC एंड एक्स सर्विसमैन इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें आपको रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा फ्रेंड्स, ये SC OBC और SC को दिया जाएगा, अनरिजर्व कैंडिडेट को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको जो इसमें एज का कैलकुलेशन किया जाएगा 17 जून 2023 दिया हुआ है, लास्ट डेट जो दिया इसके अकॉर्डिंग आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। और दिया हुआ है यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, जैसे कि जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न अर्लियर देन 18 जून 1998 एंड शुड नॉट बी बोर्न आफ्टर 17 जून 2023। तो ये इन दो डेट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इन दो डेट के बीच आपका बर्थ हुआ होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट। तो जो भी कैंडिडेट हैं उनके पास से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG होना चाहिए, वो भी कौन से डिसिप्लिन से होना चाहिए, साइकोलॉजी से होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये आपके पास एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया हुआ है। और देखिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें रिलैक्सेशन किस कैटेगरी को कितना दिया गया है। जैसे कि SC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन, आयु में छूट 5 ईयर दिया जा रहा है, OBC के लिए 3 ईयर दिया जा रहा है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन आप मिलिट्री सर्विस के लिए दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए भी दिया हुआ है। तो ये चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है कि एक्स सर्विसमैन कौन है, उनके लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये सब चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे सारी जानकारी आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे दिए चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन इज मस्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर इसमें होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंड होने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर कैंडिडेट फेलिंग इन कैटेगरीज ऑफ ये दिया गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगराज, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरेटरी लद्दाख, इन जो सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इन एरियाज से जो बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट के 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे चेस्ट सभी के लिए सेम दिया हुआ है, वेट जो दिया हुआ है वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट हाइट एंड एज एज पर वेट चार्ट प्रिस्क्राइब इन द यूनिफॉर्म गाइडलाइन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट इशू बाय द ADG मेड
CAPF। तो इसमें ये दिया हुआ फ्रेंड्स कि आपका जो इसमें वेट होना चाहिए वो आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपको इसमें एक समान अनुपात ही होना चाहिए, और मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास क्या होनी चाहिए, आई साइट के लिए जानकारी दिया गया, ये सब देख सकते हैं। ये दिया हुआ टैटू के बारे में जानकारी दिया गया है कि आपके पास टैटू कहाँ होना है, क्या होना चाहिए, टैटू के बारे में जानकारी दी गई, जैसे बींग ए सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ आवर कंट्री मैन एंड टू बी रिस्पेक्टेड एंड दस टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल आर फिगर्स, ये जानकारी दिया गया, लोकेशन दिया है फ्रेंड्स। और देखिए हाउ टू अप्लाई, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसलिए मैं देखिए एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स वेबसाइट www.recruitment.itbp.nic.in। तो ये यहाँ पे विजिट करना होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, प्रोवाइड द ये दिए G9 एंड फंक्शनल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपका जो ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए जिससे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स और देखिए आगे की क्या जानकारी है, एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट जो दिया हुआ है, तो आपको इसमें सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी सेम दिया हुआ है। जैसे कि देखिए मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट विल हैव पे 200 रुपये, तो एप्लीकेशन फी 200 रुपये इसमें पेमेंट करना होगा एज एप्लीकेशन फी। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो दिया हुआ है ये दिया है, तो इसमें और देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फीमेल का एक्स सर्विसमैन एग्जाम्ड फी, तो इसमें जो कैंडिडेट एससी एसटी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं महिला छात्र हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं पेमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, ये दिया है कि फी पेमेंट वंस नॉट बी रिफंडेड एनी सरकमटेंस, एक बार फी पेमेंट होने के बाद रिफंड नहीं किया जाएगा, वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है कि स्टार्टिंग डेट 19th में है और लास्ट डेट दिया हुआ 17th June दिया हुआ। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा फ्रेंड्स, मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, और साथ ही साथ आपको मेडिकल लिस्ट तैयार की जाएगी, मेडिकल टेस्ट होने वाला है, ये सब होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। और देखिए यहाँ पे दिया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखिए क्या आपको दिया प्रोसीजर फॉर मेल कैंडिडेट, इसमें आपको मेल कैंडिडेट की 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड की होगी, ये दिया हुआ है टू बी कंप्लीट विद इन 16 सेकंड के लिए होगा, और दिया हुआ है रेस 1.6 सेंटीमीटर जो होगी यानी 1600 मीटर की रेस होने वाली है, 7 मिनट एंड 30 सेकंड यानी 7.5 मिनट दिया जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 100 मीटर की रेस होगी 18 सेकंड में, और रेस होगी 800 मीटर की रेस जो होने वाली है 4 मिनट्स और 45 सेकंड की होगी, यानी कि ये होने वाला है। और देखिए दिया हुआ नो मार्क विल बी अवार्डेड दिस टेस्ट, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कोई भी आपको इसमें मार्क्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि आप इसमें पास कर लीजिए तभी नेक्स्ट स्टेज में आप को जाना होगा। और देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होने वाला है ये जानकारी उसकी भी जानकारी दिया गया है। अब देखिए इसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड रिटन एग्जामिनेशन में देखिए 200 मार्क्स का होने वाला है, 200 मार्क्स जो होने वाला है यहाँ पे दिया हुआ है, द रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग 200 मार्क्स विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, हाउ यूअर पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड CBT विल बी एज डिस्क्रिप्शन ITBP, तो इसमें आपका ये होने MCQ टाइप के होगा क्वेश्चन, लेकिन OMR बेस्ड भी होगा कि कंप्यूटर बेस्ड में होगा, ये सब जानकारी आपको आगे मिल सकती है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है पूरी तरह से किसी भी बेस्ड में हो, यदि आप प्रिपेयर्ड हैं तो कोई भी प्रकार के आपको टेंशन नहीं होने वाली है। देखिए दिया हुआ एग्जाम पैटर्न कैसे दिया हुआ, जैसे जनरल इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन होंगे और जनरल हिंदी से आपको 10 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस से जो होगा बाई लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश से होने वाला, इसमें देखिए 10 होगा और मार्क्स भी दिया हुआ है। और देखिए दिया हुआ है क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट से और सिंपल रीजनिंग से, बाई लैंग्वेज होगा इसमें, लैंग्वेज यानी दो लैंग्वेज में होगा हिंदी और इंग्लिश, इसमें देखिए 10 मार्क्स होंगे, और यहाँ साइकोलॉजी से भी बाई लैंग्वेज होगा, इसमें 160 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार आपको टोटल जो क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और जो टाइम होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा एग्जाम का 3 आवर्स यानी 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा,
तो ये था फ्रेंड्स, और मेरिट लिस्ट किस प्रकार तैयार की जाएगी, ये दिया आफ्टर कंप्लीशन रिटर्न एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट ईच कैटेगरी नेमली अनरिजर्व एससी ओबीसी एक्स सर्विस मैन विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन रिटर्न एग्जामिनेशन। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका जो ऑब्टेंड मार्क होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको जैसे मेरिट लिस्ट में नाम आता है आपका डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एक्सटेंड लिस्ट होगा, ये सब होने वाला है। और देखिए रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, जो टाई केसेस यानी सेम मार्क्स हो जाते हैं उसके लिए भी जानकारी दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये था आज के इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब देखिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है। तो देखिए फॉर्म फ्रेंड्स इसमें आपको सबसे पहले बताते हैं कैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे विजिट करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, आपको विजिट करना है itbppolice.nic.in। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे इसी प्रकार आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे इसमें आप नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए एक पेज आया, यहाँ पे जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई होगी वहाँ पे स्लाइड यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे न्यू पे देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एजुकेशन। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शो करने लगा है, पीडीएफ डाउनलोड होने लगी है, और डाउनलोड हो जाएगी तो यहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको कैसी लगी, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स आप सभी के से वेरी वेरी सॉरी कि आज हम लगभग 1 वीक से अपडेट नहीं दे पाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे घर पर मैरिज सेरेमनी थी एल्डर ब्रदर की। सो गाइज प्लीज बी कंटिन्यू एंड रिसीव लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसीज डेली बाय डेली डे टू डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।